शुड हैव सेंटेंसेस आई शुड हैव फिनिस्ड माई होमवर्क बिफोर गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड्स मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए था शी शुड हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टी वी उसे टी वी देखने के बजाय परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए थी दे शुड हैव सेव मनी फॉर दर वेकेशन इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग एट ऑल उन्हें यह सब खर्च करने के बजाय अपनी छुट्टियों के लिए पैसे बचाना चाहिए था ही शुड हैव apologized फॉर हिज मिस्टेक उन्हें अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी वुड हैव सेंटेंसेस इफ आई हैड नोन अबाउट दी पार्टी आई वुड attended. अगर मुझे पार्टी के बारे में पता होता तो मैं ज़रूर जाता इफ़ दे हैड अराइव अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन अगर वे पहले आ गए होते तो ट्रेन पकड़ लेते ही वुड हैव बॉट दी कार इफ़ ही हैड एनफ मनी अगर उसके पास पर्याप्त पैसे होते तो वो कार खरीद लेता एफ इट हैड स्टॉप ट्रेनिंग वी वुड अ हाइक हाइक का मतलब होता है लंबी पैदल सफ़र करना या फिर लंबी सैर के लिए निकल जाना जैसे अगर बारिश रुक जाती तो हम सैर के लिए निकल जाते कुड हैव सेंटेंसेस इफ़ आई हैड नोन यू वेर कमिंग आई कुड हैड अ मील फॉर यू अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता था इफ़ दे हैर आस्ट फॉर डिरेक्शन्स दे कुड हैव फॉन द वे अगर वे दिशा निर्देशा मांगते तो उन्हें रास्ता मिल सकता था ही कुड हैव पास द एग्जाम इफ़ ही हैड स्टडीड मोर अगर वो और पढ़ता तो परीक्षा पास कर सकता था इफ़ इट हैड स्टॉप raining, वी कुड हैव गॉन फॉर अ पिकनिक अगर बारिश रुक जाती तो हम पिकनिक पर जा सकते थे हैव टू एंड to sentences। यू हैव टू डू योर होमवर्क बिफोर यू कैन प्ले खेलने से पहले आपको अपना होमवर्क करना होगा ही हैज़ टू अटेंड अ मीटिंग इन द आफ्टरनून उन्हें दोपहर में एक बैठक में शामिल होना है यहाँ पर ही शी एट के साथ हमेशा हैज का यूज़ होता है नेक्स्ट है शी हैज़ टू टेक हर डॉग फॉर वॉक इन द मॉर्निंग उसे अपने कुत्ते को सुबह घुमाने ले जाना है वी हैव टू पे आर बिल्स बाय द एंड ऑफ द मंथ हमें हर महीने के अंत तक अपने बिलों का भुगतान करना होगा या फिर करना है दे हैव टू क्लीन देअ रूम बिफोर देअर फ्रेंड्स कम ओवर अपने दोस्तों के आने से पहले उन्हें अपना कमरा साफ करना होगा हैड टू सेंटेंसेस ही हैड टू कैच अ फ्लाइट टू अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी शी हैड टू गो टू द स्टोर टू बाई सम ग्रॉसरीज उन्हें कुछ सामान लेने के लिए दुकान जाना पड़ा वी हैड टू कैंसिल आर पिकनिक ड्यू टू बैड वेदर खराब मौसम के कारण हमें अपना पिकनिक रद्द करना पड़ा दे हैड टू री स्केड्यूल देयर मीटिंग फॉर नेक्स्ट वीक उन्हें अगले सप्ताह के लिए अपनी बैठक फिर से निर्धारित करनी पड़ी